नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो है डिस्टेंस का क्वेश्चन पेपर। डिस्टेंस का क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का? तो हिंदी सब्जेक्ट का। तो किस ईयर का? दिसंबर 2019 का है ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें टोटल 14 पेपर मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यदि आप डिस्टेंस के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये हिंदी सब्जेक्ट का डिस्टेंस से जो बच्चे हिंदी करेंगे एमए हिंदी, उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का है, यानी दिसंबर 2019 के फर्स्ट ईयर का भी और 2019 में सेकेंड ईयर का भी। ओके, इससे क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हर साल क्वेश्चन क्या होता है, टैली करता है, तो ये टैली करेगा। यानी कि डिस्टेंस से एमए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 के फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। आ गया होगा आपको समझ में? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दिसंबर 2019 का है। इसमें क्या होता है कि 70 मार्क्स के आपका आंसर देना क्वेश्चन पेपर होता है और 30 मार्क्स जो होता है आपके असाइनमेंट में मिलता है। तो जो यहाँ पे आपको यह पूरा दिया हुआ है और हर क्वेश्चन का एक ऑप्शनल दिया है, जैसे कि वन का आप ये लिखिए या अथवा में जो दिया है वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करें। दो में निर्गुण संत साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें और भक्ति काल का प्रेरक परिस्थितियों का वर्णन करें। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, आप खुद पढ़ लें, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि अगर टोटल 14 पेपर इसमें हैं, यानी फर्स्ट ईयर के 7 पेपर और सेकेंड ईयर के 7 पेपर और आठवां पेपर के लिए आपका वाइवा होता है। ओके, तो ये दिसंबर 2019 का है, मैं दिसंबर 2020 का भी अपलोड करूँगी तो उसको भी आप दे सकते हैं। दो साल का क्वेश्चन यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे या आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन गेस कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो दिया है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ढोला मारू रदुआ, चंद्रयान, पुष्टि मार्ग, आचार्य केशव दास, 3 में से आपको 2 पर टिप्पणी लिखना है। ओके, तो आप देख लिए पेपर फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में भी आप देखेंगे दिसंबर 2019 यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको अगर ये लग रहा है कोई ये है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एमए फर्स्ट ईयर हिंदी पेपर 2, एमए जो ब्रैकेट में 1 दिया है यानी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का पेपर 2 है, दिसंबर 2019 का है। 3 आवर टाइम मिलता है, 70% का ये क्वेश्चन पेपर होता है। सभी प्रश्नों के मान बराबर है, जैसे एक क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, इनसे एक का आंसर करना है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन की दिशा और प्रकाश डाले, अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व के संयोग को प्रकाश डाले, रूप परिवर्तन की दिशा, भाषा विज्ञान के अंग और उनकी शाखाओं का वर्णन करें। और 5वां क्वेश्चन है विषयीकरण, मिथ्या सदृश, भोजपुरी ध्वनियाँ, मैथिली का सर्वनाम। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन हुआ, ये हुआ पेपर 2, एमए फर्स्ट ईयर दिसंबर 2019 डिस्टेंस का पेपर 2। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एमए फर्स्ट ईयर है, चलिए सेटिंग करने में थोड़ा ये टाइम लग जाता है। जैसे कि एमए फर्स्ट ईयर का पेपर ये 3 है,
तो इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 2 उसका अथवा में ये दिया है, 3 में हिंदी संज्ञा का मूल विकृति, पश्चिमी हिंदी की विशेषताओं, राष्ट्रभाषा की अवधारणा उनकी विशेषता, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से 2 पर आपको टिप्पणी करना है। ओके, तो ये रहा पेपर 3 हिंदी MA डिस्टेंस हिंदी के पेपर 3 यानी फर्स्ट ईयर के पेपर 3। तो ये रहा आपका MA हिंदी का पेपर 3। अब हम चलते हैं पेपर 4 की तरफ। जैसे कि पेपर 4 आपको यहाँ पे, पेपर 4 है यहाँ पे, जैसे MA फर्स्ट ईयर हिंदी पेपर 4 दिसंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चौथा पेपर है हिंदी का। जैसे फर्स्ट में दिया है कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाले, कबीर की साधना पत्ति, 2 में नागपति का चरित्रण, इसमें भी 2 मतलब अथवा में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उनमें से आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही करेंगे। 3 क्वेश्चन 3 का भी दिया है सूरदास का, और भ्रमर में अव्यक्त सुर की भक्ति भावना। चौथा क्वेश्चन में घनानंद के सिर्फ वैशिष्ट्य पर निबंध लिखे, और इसका ये 5वां क्वेश्चन किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी, इनमें 2 पर टिप्पणी लिखना है। ओके, तो ये रहा आपका MA हिंदी फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर डिस्टेंस का, ये पेपर है दिसंबर 2019 का। और फिर से देखते हैं 5वां पेपर, MA फर्स्ट ईयर हिंदी 5वां पेपर है दिसंबर 2019 का। इसमें भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया साकेत के अष्टम सर्ग का सारांश लिखना है, साकेत के अष्टम सर्ग के आधार पर सीता का चरित्र चित्रण, 2 में कामायनी का प्रतिपाद पर विचार करें, लज्जा सर्ग के आधार पर लज्जा का स्वरूप वर्णन करें, सुमित्रा नंदन पद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, मैं नहीं चाहता चिशुक के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालें, छायावादी निराला का परिचय दें, राम की शक्ति पूजा का भाव सौंदर्य निरूपित करें, और 5 में से इन 2 पर टिप्पणी लिखें। ओके, ये था हिंदी का 5वां पेपर का, MA हिंदी 5वां पेपर का ये 5वां क्वेश्चन है। हम देखेंगे 6ठा पेपर, छठा पेपर है MA फर्स्ट ईयर हिंदी 6ठा पेपर दिसंबर 2019। गोदान की कथा वस्तु की विशेषताओं, गोदान की धनिया का चरित्रण, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी उपन्यास कला, ज्वाला का चरित्रण, त्यागपत्र की कथा वस्तु, मृणाल का चरित्रण, कहानी कला के दृष्टि रसप्रिया की समीक्षा, कफन का प्रतिपाद्य। 5th नंबर में 2 पर टिप्पणी करना है, 2 पर का भोजन, मलबे का मालिक, मुर्दा सराय, मनु भंडारी। ओके, तो ये था 6ठा पेपर फर्स्ट ईयर का। अब यहाँ पे देखेंगे 7वां पेपर MA फर्स्ट ईयर का दिसंबर 2019 का, संचार भाषा से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें, सृजनात्मक भाषा का परिचय दें, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं को बताएं। 3 में रंग भाषा पर विचार करना है, हिंदी की परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत की चर्चा करना है, श्रव्य माध्यम की भाषा की प्रकृति विचार करना है, पठ कथा लेखन पर प्रकाश डालें, 5 क्वेश्चन नंबर 5 से 2 पर टिप्पणी लिखना है। ये था MA फर्स्ट ईयर हिंदी का पेपर 7 दिसंबर 2019 का। अब चलिए, आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में 8 पेपर पढ़ना है और सेकेंड ईयर में 8 पेपर यानी 8 पेपर, तो 7th पेपर रिटेन होता है और 1 पेपर वाइवा होता है। तो 7th पेपर आपका हो गया। अब आ जाएगा MA सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि 9वां क्वेश्चन पेपर, 8वां पेपर तो आपका वाइवा होगा। देखिए
जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एम ए सेकेंड ईयर, एम ए ब्रैकेट में 2 लिखा है तो सेकेंड ईयर है हिंदी का, ये 9वां पेपर है दिसंबर 2019 का। इसमें भी एक क्वेश्चन में दो दो लगाया है, दोनों में से आपको एक का आंसर करना है। भारतेंदु कालीन गद्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख करें, भारतेंदु युगीन नाटक की विशेषताएं बताएं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के साहित्य का परिचय प्रस्तुत करें, प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, नवीन कविता की प्रवृत्तियों को स्पष्ट लिखें, नवगीत की विशेषताएं, हिंदी उपन्यास के विकास क्रम, भूमंडलीकरण के संदर्भ में हिंदी की स्थिति प्रकाश डालें, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो इसमें 2 पर टिप्पणी लिखना है। ये था एम ए हिंदी डिस्टेंस का 9वां पेपर, सेकेंड ईयर का यानी 9वां पेपर। चलिए अब देखते हैं 10वां पेपर में हिंदी, 10वां पेपर। तो इसमें भी लगाया है, अभिधा के महत्व को बताते हुए उसके क्षेत्र प्रकाश डालें, लक्षणा शाब्दिक शक्ति का परिचय दें, काव्य की आत्मा से आपका क्या अभिप्राय है, काव्य क्या है विस्तार चर्चा करें, औचित्य सिद्धांत का परिचय दें, ध्वनि सिद्धांत का परिचय दें, विभावन व्यापार से आप क्या तात्पर्य है, काव्य दोषों का सोदाहरण विवेचन करें, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। इनमें 2 पर टिप्पणी लिखना है। ये था एम ए हिंदी का 10वां पेपर, सेकेंड ईयर का, एम ए सेकेंड ईयर हिंदी का 10वां पेपर डिस्टेंस का है। अब हम देखेंगे 11वां पेपर, दसवां पेपर तो हो गया, ये 11वां पेपर नहीं है क्या? हाँ 11 पेपर नहीं है, सॉरी, इसमें 11 पेपर नहीं दिया गया है, 12 दे दिया एक ही बार, और 13 दे दिया, 14 दे दिया, 14 15 दे दिया, अच्छा 11 लास्ट में दिया है। आप थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो देख लीजिए, 11 पेपर ही पहले देखिए, देखिए जैसे यहाँ 11 पेपर दिया है एम ए सेकेंड ईयर का, 11वां पेपर है एम ए सेकेंड ईयर हिंदी 11वां पेपर। जैसे इसमें भी सभी क्वेश्चन के मान बराबर हैं, प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फर्स्ट में अरस्तु के जीवन और व्यक्तित्व प्रकाश डालें, त्रास्ती संबंधी अरस्तु के सिद्धांत को संक्षेप में लिखें, 2 में उदात्त के संबंध में लॉजाइनस के विचारों को लिखें, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की तुलना रिचर्ड्स के सिद्धांत से करें, 3 में इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन करें, इलियट की वस्तुमूलक प्रतिरूपता संबंधी विचारों को स्पष्ट करें, रिचर्ड्स की मूल अवधारणा। फिर 5वां क्वेश्चन, किन्हें 2 पर टिप्पणी लिखें, इनमें 2 पर टिप्पणी लिखना है। ओके, ये था आपका एम ए सेकेंड ईयर हिंदी का 11वां पेपर। चलिए 11वां पेपर हो गया, अब हम देखेंगे 12वां पेपर। ये 12वां पेपर है एम ए हिंदी 12वां पेपर दिसंबर 2019 का। इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं बताएं, त्रिलोचन के सोनेट की विशेषताओं का उल्लेखित करें, इसे पूरा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लें। 2 में है अज्ञेय की काव्य कला का परिचय प्रस्तुत करें, कि हम नहीं रहेंगे कविता का भावार्थ लिखें, 3 में मुक्ति बोध की कविता में फैंटसी के महत्व को प्रकाश डालें, मुक्ति बोध की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें, नागार्जुन जन कवि है स्पष्ट करें, नागार्जुन की समकालीन यथार्थ के प्रखर प्रवक्ता इस कथन की पुष्टि करें, और किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो ये हुआ एम ए हिंदी पेपर 12वां, सेकेंड ईयर एम ए का है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एम ए सेकेंड ईयर डिस्टेंस से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां यानी 13, जैसे एम ए सेकेंड ईयर हिंदी 13वां पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है पत्रकारिता के स्वरूप प्रकाश डालें, 19वीं सदी में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास की चर्चा करें, समाचार के विभिन्न स्रोतों का परिचय दें, समाचार पत्रकारिता के मूल तत्व, संपादन कला के समान सिद्धांतों का, समाचार पत्र के मुख्य स्तंभों की चर्चा, विज्ञापन के गुण और उनके प्रकार प्रकाश डालें, फोटो पत्रकारिता की विवेचना करें, और किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। तो ये था एम ए सेकेंड ईयर हिंदी का 13वां पेपर, डिस्टेंस से का पेपर है।
2019 का, 2019 दिसंबर का। अब हम देखेंगे 14वां पेपर। 14वां पेपर में आप देखेंगे जैसे एमए सेकेंड ईयर हिंदी डिस्टेंस का ये 14वां पेपर है। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है नाटककार जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व प्रकाश डाले, देव सेना का चरित्र चित्रण करें, आधे अधूरे की कथा वस्तु सावित्री का चरित्र चित्रण, श्रद्धा भक्ति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों पर प्रकाश डालें, निषाद बासुरी की समीक्षा करें, हिंदी की कला निचोड़ प्रतिभा से आप क्या समझते हैं, और किन्हीं दो पर टिप्पणी भी करना है। तो आप टिप्पणी है जैसे ललित निबंधकार आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा। ओके, तो ये था एमए हिंदी का 14th पेपर डिस्टेंस का दिसंबर 2019 का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एमए सेकेंड ईयर हिंदी का 15वां पेपर। 15वां पेपर हो गया, ये लास्ट हो गया। 16वां पेपर का आपका वाइवा होगा दिसंबर 2019। पांच प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाश डाले, आचार्य नेदू दुलारे वाजपेयी की आलोचना दृष्टि, मार्क्सवादी आलोचना की विशेषताओं, मनोविश्लेषणवादी आलोचना की विशेषताओं की चर्चा करें, सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना एवं संरचनावाद का परिचय दें, शोध के क्षेत्र में विषय कथन की व्याख्या करें, शोध के तथ्यों की मीमांसा करें, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। दो पर था क्या? आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावाद, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना दृष्टि से भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संबंध, श्री आलोचना प्रभाववादी आलोचना। ओके, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन हिंदी का 15वां पेपर है, यानी कि एम ए सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर है। अब 16वां जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर है डिस्टेंस एम ए हिंदी दिसंबर 2019 का। तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के भी 7 पेपर और सेकेंड ईयर के भी 7 पेपर मिल जाएंगे उसका क्वेश्चन पेपर। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 साल का अगर मिला लेते हैं तो आप 3रे साल एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, पूरे क्वेश्चन टैली करेंगे। तो ये तो वीडियो हमने दिसंबर 2019 का डाला, लेकिन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा दिसंबर 2020 का हिंदी का पेपर। ओके, तो इस तरह आप वीडियो को देखें, समझें, किसी भी तरह की यदि कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस का पेपर है, मैं बार बार कह रही हूँ ये डिस्टेंस का पेपर है। डिस्टेंस से जो बच्चे एमए हिंदी कर रहे हैं उनके लिए, फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का भी प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें, और सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन पेपर है। तो आप देखें, यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें, और वीडियो पसंद है वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं दिसंबर 2020 के क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर एमए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।